इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाए। नेपाल को एशिया का सबसे विचित्र देश माना जाता है। इसकी विचित्रता को देख नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है और नेपाल का नाम दुनिया के उन देशों में आता है जहाँ भारतीय बहुत ही कम खर्चे में घूमने जा सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेपाल की कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर सकते हैं। 2007 से पहले नेपाल एक राजतंत्र हुआ करता था और तब नेपाल को दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र माना जाता था, लेकिन 2007 में एक नया संविधान आया और इसे हिंदू राष्ट्र के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। नेपाल में एक समय के दौरान पब्लिक प्लेस में किस करना गैरकानूनी माना गया था, लेकिन आज नेपाल काफी मॉडल ख्याल की ओर बढ़ रहा है। नेपाल के ज्यादातर लोग काफी धार्मिक होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों का काफी सम्मान करते हैं। नेपाल का हर एक हिस्सा हिंदू और बौद्ध धर्म स्थलों में से भरा हुआ है। यही कारण है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू को सिटी ऑफ ग्लोरी कहा जाता है। एक बात काफी हैरान करने वाली है कि नेपाल के ज्यादातर लोग धार्मिक होने के बावजूद यहाँ पर आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है, जो कि दुनिया के अन्य देशों से नेपाल को काफी महान बनाता है। नेपाल के ज्यादातर लोग विभिन्नता में एकता में विश्वास रखते हैं। नेपाल में बहुत ही कम एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर फ्लाइट में जाना काफी महंगा होता है और यहाँ पर स्थित एक एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी माना जाता है। 19वीं शताब्दी में नेपाल के लगभग आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे वास करती थी, लेकिन पिछले 4 सालों में नेपाल अपनी गरीबी को मिटाने में सक्षम हुआ है। भारत के साथ हुए एक समझौते के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के नेपाल जा सकता है और नेपाल का कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के भारत में आकर काम कर सकता है। यही कारण है कि भारतीयों के लिए नेपाल जाना बहुत ही आसान और सस्ता होता है। भारतीय और नेपालियों के बीच एक चीज को लेकर काफी विवाद है कि आखिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। नेपाल सरकार की आय का एक बड़ा हिस्सा माउंट एवरेस्ट देखने जाने वाले टूरिस्ट से आता है। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार आने से पहले नेपाल पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर माना जाता था। ज्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल की गोरखा जाति एक बहादुर कौम मानी जाती है और इन लोगों का मानना है कि डरने से मरना बेहतर है। यही कारण है कि इंडियन आर्मी में आज भी गोरखा बटालियन में ज्यादातर नेपालियों को नियुक्त करती है।